भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह और काजल राघवानी की एक फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था। फिल्म का नाम था धर्मा। हमने काफ़ी दिनों तक इंतज़ार किया कि हो सकता है कि इस फिल्म की जो एक्ट्रेस है काजल राघवानी, उन्हें भूले बिसरे याद आ जाए कि उनकी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बड़े दमदार रोल वाली फिल्म का ट्रेलर रिलीज़ हुआ है और उसे वो अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करेंगी। लेकिन ताज्जुब की बात ये है कि जिन छोटी बड़ी फिल्मों में काजल राघवानी छोटा सा एक आइटम नंबर भी करती थी तो उसे अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करती थी, लेकिन ताज्जुब की बात ये है कि इतनी बड़ी फिल्म और लीड रोल कर रही है जिसे रिस्पॉन्स बहुत ही धमाकेदार मिल रहा है सोशल मीडिया पर, उसे काजल राघवानी ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करना भी वाजिब नहीं समझा। वैसे हम आपको बता दें, ये पहला मौका नहीं है जब काजल राघवानी ने कुछ इस तरह का कदम उठाया है। काजल राघवानी ने इससे पहले खेसारी लाल यादव के साथ आई फिल्म के साथ भी ऐसा ही किया था, क्योंकि उस वक्त बताया जा रहा था कि खेसारी और फिल्म के प्रोड्यूसर के साथ काजल राघवानी का अनबन चल रहा है। इस वजह से काजल राघवानी ने खेसारी के साथ आई फिल्म को प्रमोट नहीं किया था। ये फिल्म खेसारी और काजल के झगड़े के बाद इसका पोस्टर रिलीज़ किया गया था और काजल राघवानी ने इसे सपोर्ट नहीं किया था। और फिल्म धर्मा की बात करेंगे तो फिल्म धर्मा को जिस तरह का रिस्पांस मिल रहा है उसे देखकर ये लग रहा है कि जब ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी तो तहलका मचा ले देगी। लेकिन ये बहुत बड़े ताज्जुब की बात है जिसे अभी तक ना काजल राघवानी की तरफ से इसका कोई भी क्लियरिफिकेशन आया है, ना ही पवन सिंह की तरफ से और ना ही फिल्म के किसी भी स्टारकास्ट डायरेक्टर प्रोड्यूसर किसी भी तरह के किसी भी व्यक्ति की तरफ से ये क्लियरिफिकेशन नहीं आया है कि काजल राघवानी ने क्यों अपने ही फिल्म के पोस्टर और ट्रेलर को प्रमोट नहीं किया। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि काजल राघवानी को पता ना हो कि उनकी फिल्म का पोस्टर और ट्रेलर दोनों रिलीज हो चुका है। क्या कहेंगे आप हमारे इस वीडियो के बारे में, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए।